अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आर एफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेपर का दूसरा पार्ट है जी, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो ये ज़रा आप तवज्जो से सुन लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो पेपर आ रहे हैं FBR के, UDC के, स्टेनोटाइपिस्ट के और मज़ीद पेपरों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ज़रा सुन लें। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन। अच्छा जी, इसका 25 का आंसर है जी 1875, बी दुरुस्त है। आगे जी 26 क्वेश्चन है, बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस इन द ईयर। इसका जी 26 का क्वेश्चन का आंसर है ए 1916, ठीक है जी 1916। आगे 28 आ गया जी, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज, ए पंडित दयानंद है। इसका ए दुरुस्त है। 28 का आंसर ए है पंडित दयानंद। अच्छा जी 29, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। अच्छा जी, ये कब हुई? इसका आंसर है जी 1 मिनट, 29 का आंसर है, 29 का आंसर है जी सी, ठीक है जी 22 दिसंबर को ये हुई थी पेश रेजोल्यूशन, तो ये ज़रा ब्लर है तो इसको आप नोट कर लें। अच्छा जी, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, ये 1947 में आया। अच्छा जी 31 है, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड। अच्छा जी 22 दिसंबर है इसका, 31 का ए दुरुस्त है। कायदे आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन, इसका जी 32 का आंसर है, इसका 32 का आंसर है जी सी 1913। कायदे आज़म इनॉग्रेटेड इन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1 जुलाई 1948, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी दुरुस्त है। 33 क्वेश्चन का बी ऑप्शन दुरुस्त है। 34 मुस्लिम्स बायकॉट यूज़ ऑफ इंग्लिश गुड्स ड्यूरिंग खिलाफत, ठीक है जी, ये एक तहरीक खिलाफत चली थी उसके दौरान बायकॉट किया गया था। 34 का आंसर है सी। अच्छा जी, शेरे बंगाल वाज द टाइटल ऑफ, अच्छा जी मौलवी फजलुल हक को टाइटल दिया गया था, डी दुरुस्त है। 36 पार्टीशन ऑफ बंगाल फेवर्ड द मुस्लिम्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल का फ़ायदा मुसलमानों को हुआ। 37 क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा जी 37 है, MU स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सी सर सैयद अहमद हाँ। 38 क्वेश्चन, अच्छा जी द हेड ऑफ अवामी लीग इन 1970 वाज, अच्छा जी इसका आंसर है मुजीबुर रहमान, इसके हेड मुजीबुर रहमान थे। 39 वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला कैपिटल दारुल हुकूमत कराची है। 39 का दुरुस्त ऑप्शन है जी सी। मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और आप थोड़े वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन को रीड कर सकें। अच्छा जी 40 है, द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़, सी दुरुस्त है जी 79 60 96, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 41 अफगानिस्तान एंड ईरान लाई ऑन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक ठीक है जी 41 का बी दुरुस्त है। कुरान पाक आगे इस्लामियत का पोर्शन शुरू हो गया, तो इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, तो ये ज़रा आप माइंड में याद कर लें। अच्छा जी 42 कुरान वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अप्रॉक्सीमेटली 23 ईयर्स, ए दुरुस्त है इसका जी 43। हु इज़ नाउन एज कंपाइलर ऑफ कुरान, ये जी अबू तालिब थे, जो जाने जाते थे कंपाइलर ऑफ कुरान के नाम से, लेकिन इनमें ऑप्शन दुरुस्त मौजूद नहीं है, तो इसका होगा 43 का नन ऑफ दीज, ठीक है वैसे अबू तालिब हैं। अच्छा जी 44 अकॉर्डिंग टू कुरान देर आर, अच्छा ज़कात के मुसारफ कितने हैं? 44 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सी इसका जवाब है जी 8 मुसारफ हैं, ठीक है ज़कात के कितने मुसारफ हैं? 8 मुसारफ हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान देर आर 8 रिसिपिएंट्स ऑफ ज़कात। अच्छा जी 45
देर आर डैश ऑब्लिगेशंस फॉर अब्लूशन, वुजू के फ़र्ज चार हैं। बैटल ऑफ तबूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड इसका नेवर फॉट, ये इसकी जंग बकायदा नहीं हुई थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है, नेवर फॉट। अच्छा जी, गुसल के कितने फ़र्ज़ हैं? गुसल के तीन फ़र्ज़ हैं। गुसल 47 का सी दुरुस्त है जी, 47 जी, 47 का बी, हाँ सॉरी, 47 का बी दुरुस्त है, गुसल के तीन फ़र्ज़ हैं। 48, द वर्ड ख़त्म नबीयीन किस सूरत में है जी? इसका जवाब है ए, सूरत अल अहज़ाब में, ठीक है जी। ख़त्म नबीयीन वर्ड है, सूरत अहज़ाब में, ए दुरुस्त है। 49, ज़कात इज़ पेबल ऑन द मिनिमम ऑफ, इसका सी दुरुस्त है, 7/1/2। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, तीसरे पार्ट में मज़ीद इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो तीसरे पार्ट में कवर करते हैं, तो तीसरी भी वीडियो अपलोड होने वाली है, तो आप उसको भी चेक कर लें, और उसी के साथ आगे कंप्यूटर का एक पोर्शन होगा, चौथी वीडियो वो होगी। तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए शॉर्ट हैंड के रिलेटेड, और किसी एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, एमएस वर्ड के रिलेटेड, और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।